साथ मैंने अपने किचन में बनाया है बेकरी वाला पाव, वो भी बन पाव, जिससे आप बर्गर भी बना सकते हैं। इसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर 25 ml पानी गर्म करेंगे, हल्का गुनगुना पानी गर्म करना है हमें, ज़्यादा तेज नहीं। पानी को हमें इस बर्तन के अंदर ले लेना है। अब इस गुनगुने पानी के अंदर हम 7 ग्राम शक्कर ऐड कर रहे हैं और इसके साथ 12.5 ग्राम ईस्ट ऐड कर रहे हैं। ये एक्टिव ईस्ट है और एक्टिव ईस्ट को हमें एक्टिव करने के लिए हल्का गुनगुना पानी गर्म करना है। और आप देखिए इसके अंदर हमने शक्कर और ईस्ट ऐड कर दिया है और चमची से हम इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट में ईस्ट हमारा एक्टिव हो जाएगा। ईस्ट हमारा एक्टिव हो चुका है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा फूल कर ऊपर आ गया। अब हम पाव के लिए डो लगाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम एकदम बढ़िया फाइन मैदा। अगर आप पाव अगर बनाते हैं ब्रेड वगैरह, उसके लिए आपको बेकरी मैदा लेना है, तो हमने ये बेकरी मैदा लिया है 500 ग्राम। आप किसी भी किराना दुकान पर बेकरी मैदा पूछेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बेकरी की कोई भी आइटम आप बनाते हैं उसको वज़न करके लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने जो पानी लिया है ये है 325 ml पानी, जिसमें से 25 ml पानी हमने ईस्ट तैयार करने में ले लिया है। अब यहाँ पर 300 ml पानी बचा हुआ है जिससे हम डो लगाएंगे। तो ये 500 ग्राम मैदा, इसके अंदर हम 10 ग्राम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक ऐड हो गया, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा एक्टिव हुआ ईस्ट। ईस्ट और मिक्स करके अब हम इसके अंदर जो पानी हमने मेजरमेंट करके लिया है वो ऐड करके पाव के लिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट डो हमें लगाकर तैयार करना है। जैसे जैसे आप डो लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये पूरा डो हमें देखा हाथ में चिपकता जा रहा है और डो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जाली हमारी आ गई है, ये देखिए। अभी तो हमें इसको अराउंड 1.5 घंटे के लिए और फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही पूरा तैयार होगा। अब देख सकते हैं डो हमारा लगभग तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल ले रहे हैं, अराउंड 25 ml तेल हमें टोटल यूज़ करना है इसके अंदर। थोड़ा हाथ पे ले लेंगे और इस डो को हमें थोड़ा और अच्छी तरीके से गूंदना है, तो हाथ पे चिपकना बंद हो जाएगा और एक अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर आने लगेगी। पाव के डो को लगाने में हमें 5 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि डो अगर सही नहीं बनेगा तो पाव बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे, इसलिए डो को बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा तेल हम और लेके फिर से इसको हम गूंदेंगे। तो फाइनली देखिए पाव के लिए डो हमारा रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं हाथ में चिपकना बिल्कुल बंद हो चुका है और अब हम इसको फॉर्मेट होने के लिए रख देंगे। फॉर्मेट होने के लिए इसको कैसे रखना है उसका भी एक तरीका होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इसको सेट करने के लिए देखिए इसको हमें नीचे की ओर पूरा जोड़ना है, ऊपर से एकदम बढ़िया फाइन रखना है, नीचे से इसको जोड़ना है और इसको हमें इसी बर्तन के अंदर रख देना है। अब हम इसको ऊपर से तेल लगाकर पॉलिश करके रख देंगे अगले 45 मिनट। हमने यहाँ पर देखिए देसी तरीके से इसको ढक दिया है। अब हम इसको ओवन के अंदर रखेंगे, ओवन को बंद रखना है
स्टार्ट नहीं करना है, तो बंद ओवन के अंदर ये ऑटोमेटिकली हीट के मारे अच्छी तरीके से फूलकर तैयार हो जाएगा। और अब हम इस बर्तन को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो डो है कितना बढ़िया तरीके से फूलकर तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर ढक्कन हटाया दिया और डो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फूलकर तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको बताएंगे कि पाव कैसे बनाएंगे, किस तरीके से रोल करेंगे और कितने ग्राम की लोई आपको लेनी है। तो अभी ये डो हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गया है। मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा हाथ के अंदर तेल ले लेता हूँ और हाथ को ऐसे करता हूँ। और पहले तो आपको इसके अंदर की जाली बताता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया, जाली एकदम बढ़िया तैयार हो चुकी है। और देखिए दोस्तों, जब ये एक्टिव होता है ना तो उसके अंदर ऑक्सीजन छोड़ता है, और जब इस ये डो फूल जाता है ना तो उसके अंदर हवा बहुत सारी होती है। अब हम इस हवा को रिलीज करेंगे। तो रिलीज करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने 50 ग्राम के करीब सूखा मैदा मैंने लिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसके ऊपर छिड़केंगे। और अब हम थोड़ा सा तेल हाथ में लेंगे और तेल को हम अंगुलियों पे लगाएंगे और अब हम इसकी हवा निकालेंगे। ये देखिए हवा रिलीज हो गई और अब हम इस डो को एक बार अच्छी तरीके से पूरा फैट कर अच्छे से गूंद कर ले लेंगे। थोड़ा सा मैंने तेल ड्रॉप किया है और तेल डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए गूंद कर ले लेंगे। अब हम इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़क दिया है और ये पूरा डो हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए, और अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो इस एक भाग को हम फिर से थोड़ा इस तरीके से करके इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे ढककर रख देंगे और इस डो का हम लोइयां बनाकर इस ट्रे के अंदर रखेंगे। हम इसी ट्रे के अंदर पाव बनाएंगे। तो यहाँ से हम पहले छोटी छोटी लोइयां ले लेते हैं। अगर आपके पास काटा स्किल है तो 60 ग्राम की एक लोई ले और लोई को इस तरीके से नीचे की ओर डो को फोल्ड करना है। ये देखो ऐसे, ठीक है। और इस प्लेट के अंदर आपको तेल लगा कर रखना है और इस लोई को हम ऐसे रख देंगे। इसी तरीके से हम अराउंड 3-3 लोइयां रखेंगे, एक एक इंच का थोड़ा इसके अंदर बीच में जगह रखेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं, मैंने यहां पर 9 पाव बनाकर रखे हैं। अब इनको हम 5 मिनट के लिए और ऐसे ही रखेंगे ताकि अच्छे से थोड़ा सा फूल जाएंगे। उससे पहले हम इनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लें ताकि चिपके नहीं। ऐसे अब हम बन पाव को 13 मिनट के लिए ओवन के अंदर रख देंगे पकने के लिए। 13 मिनट बाद में बन पाव हमारे पककर तैयार। पाव हमारे बन चुके हैं और अब हम पाव को ओवन से निकाल देते हैं। 13 मिनट तक हमने पकाया है, 13 मिनट में पाव हमारे बनकर तैयार। चलिए मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। हमने अलग अलग रखे थे, अलग अलग ही हैं, लेकिन जो नज़दीक है वो एकदम अच्छे से उसके पास पास पाँच के जो जगह रखी थी हमने वो पैक हो चुकी हैं। तो ये हो गए हमारे पाव। तो इस पाव से हमारी बर्गर वगैरह बन जाएगी, वड़ा पाव जो है, जो डबल वड़ा पाव बनता है वो भी बन जाएगा। लेकिन जो लादी पाव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे।
एक पीस में कट करके दिखाता हूँ आपको पाव कि अंदर से ये कितना शानदार तरीके से स्पंजी बना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी जाली इसके अंदर आई है और काफी स्मूथ ये बनकर तैयार हुआ है। तो पाव के ऊपर हम ऑयल पॉलिश कर देंगे जिससे इसकी शाइनिंग और अच्छी आएगी। आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं या फिर घी का उपयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। आपका अनुभव राइडर पटेल के साथ शेयर करें। ऐसी और नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।